28 फरवरी है। आज का दिन गौरव का दिन है, हिंदू समाज के लिए गर्व का दिन है। आज का दिन महाराणा प्रताप के राज तिलक की जयंती का दिन है। यह दिन महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और शौर्य के साथ लड़े गए युद्धों के पश्चात स्थापित राजसत्ता पर धर्म ध्वजा फहराने का दिन है। महाराणा प्रताप ने हिंदू शौर्य, हिंदू स्वाभिमान और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। इस महान योद्धा ने राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। महाराणा प्रताप के राज तिलक की जयंती पर आज हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं, महाराणा प्रताप के शौर्य को याद करते हैं, उनकी गाथा को याद करते हैं। यह दिन 28 फरवरी है। 28 फरवरी 1572 को ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। इस राज तिलक पर आज चर्चा करेंगे, आज देखेंगे महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को। आइए देखते हैं राणा प्रताप का शौर्य और उनके संघर्ष में जीवन की कहानी को। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय, जय जय भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय। ये उद्गार सिर्फ राष्ट्र कवि पंचाम नारायण पांडे के नहीं है, यह भारत का मन है, जन गण का मन है। उसके उर से आगाध श्रद्धा में फूटी शौर्य गाथा है, जिसे कवि ने हल्दी घाटी काव्य में उकेरा है। यह कल्पना नहीं है, यह साक्षात प्रकट हुआ शौर्य है, जिसे भारत भूमि के अद्वितीय योद्धा, स्वतंत्रता के अनन्य उपासक वीर राणा प्रताप ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रकट किया। उनका यही शौर्य आज भी लोक गाथाओं से लेकर इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में दमक रहा है। राणा ने कभी दास्तां नहीं स्वीकारी, राणा ने कभी सिर नहीं झुकाया, राणा ने कभी भारत का मस्तक नीचे नहीं होने दिया, राणा ने कष्टों को गले लगाया, राणा ने प्रतिज्ञा के लिए सुख सुविधाओं का त्याग दिया। इस त्याग और तपस्या से उपजी शक्ति से ही उन्होंने मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा की, राजपूतों की आन बान और शांत को जीवंत किया। इस योद्धा का जन्म सिसोदिया कुल में राणा सांघा के पौत्र के रूप में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। उनके पिता राजा उदय सिंह और माता जीवंत कंवर थी। प्रतिज्ञा के लिए महाभारत में भीष्म और इस युग में राणा प्रताप को याद किया जाता है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, मैं एकलिंग भगवान महादेव का परम भक्त राणा प्रताप से शपथ लेता हूँ कि जब तक अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करा लूँगा, महलों में नहीं रहूँगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, थाल में भोजन नहीं करूँगा। यह भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले महाराणा प्रताप ने इसे राज्य प्राप्ति तक निभाया। आज भी कई जनजातियां जो स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज बताती हैं, इस प्रतिज्ञा और नियमों का पालन कर रही हैं। राणा प्रताप के जीवन में हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक और उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला था। हालांकि माना जाता है कि यह युद्ध हार जीत के निर्णय के बगैर ही समाप्त हुआ, परंतु मुगलों की भारी क्षति और सेना संतुलन में असमानता के आधार पर इतिहासकारों ने हल्दी घाटी को राणा की विजय के रूप में देखा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। युद्ध में अकबर की सेना जहांगीर और मानसिंह के नेतृत्व में उतरी।
मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप मात्र 500 भीलों और 2,000 राजपूत सैनिकों के साथ हल्दी घाटी में अकबर का मान मर्दन करने पहुंचे थे। हल्दी घाटी में राणा के चेतक की चपलता और वेग की भी चर्चा गर्व के साथ होती है। चेतक ने राणा को सुरक्षित युद्ध भूमि से निकाला था। राणा प्रताप की सफलता में भामाशाह के त्याग और झाला सरदार के बलिदान का अविस्मरणीय योगदान है। हल्दी घाटी के बाद भी अकबर का दमन चक्र थमा नहीं, उसकी कुटिल चालें जारी रही। उसने फिर राजपूताना पर धावा बोला, फिर करारी हार। राणा ने छापामार युद्ध से मुगलों को खदेड़ कर भगवा पताका फिर फहराया था। मुगल सेना के लगातार हमलों का सामना करने के लिए राणा ने अरावली की पहाड़ियों की शरण ली। यहीं से युद्ध संचालन करते रहे, लेकिन धनाभाव में सेना को संगठित रखना भी कठिन हो गया था। ऐसे समय ही प्रकट हुए भामाशाह। उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति राणा के चरणों में अर्पित कर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। इन 20 लाख अशर्फियों और 25 लाख रुपए से राणा ने फिर सेना को संगठित किया और शत्रु पर टूट पड़े। राणा ने कुंभलगढ़ पर फिर कब्जा कर लिया। मुगल सेना को हरा कर उदयपुर के पास चावड़ किले पर भी कब्जा जमाया। एक एक कर अपने सभी किले मुगलों से मुक्त करा लिए। हिंदू योद्धाओं के शौर्य को अजर अमर करने वाले इस रणबांकुरे राणा ने मात्र 56 साल की उम्र में ही यह लोक त्याग दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1597 को अंतिम सांस ली। हमने देखी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा। दुनिया भर में, विश्व भर में चारों ओर कीर्ति फैलाती हुई उनकी यश गाथा। इस यश गाथा ने न केवल हिंदू समाज का मस्तक ऊंचा किया, बल्कि समस्त भारत को हिमालय की ऊंचाई तक उनके स्वाभिमान को पहुंचाया। महाराणा प्रताप के राजतिलक की जयंती पर हम उनका एक बार फिर नमन करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं। महाराणा प्रताप के शौर्य के आगे हम नतमस्तक होते हैं और न्यूज़ टाइम्स परिवार की ओर से उनको बार बार नमन भी करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।